अब बिना माँ बाप के पैदा होंगे 30,000 बच्चे। दोस्तों, कुदरत कहिए या प्रकृति, ये दुनिया से सिर्फ एक ही बात कही है, अगर तुम मेरे साथ खिलवाड़ करोगे तो मैं तुम्हारे साथ खिलवाड़ करूंगी, जिसका समय समय पर आपको नमूना भी देखने को मिला होगा। फिर चाहे वो भूकंप के रूप में हो, या बाढ़ के रूप में, या फिर कोरोना वायरस जैसी खतरनाक महामारी के रूप में, लेकिन फिर भी लोग अपने हरकतों से बाज नहीं आते। एक तरफ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि आने वाले समय में हम मरे हुए इंसानों को जिंदा कर देंगे, वहीं दूसरी तरफ अब वैज्ञानिक ने ये दावा कर रहे हैं कि वो बिना माँ बाप के बच्चों को जन्म देंगे, वो भी आर्टिफिशियल कोप के जरिए। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा और इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा हो पाना मुमकिन है, जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, जिसके मदद से इंसान कुछ भी करने में सक्षम है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा वक्त भी आएगा जब मरे हुए इंसानों को भी जिंदा किया जा सकेगा? जी हाँ, इसमें चौंकने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से वैज्ञानिक नई नई खोज कर रहे हैं, उसे देखते हुए तो ऐसा लगता है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। और इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों की इस दावे के ऊपर 600 से ज्यादा लोगों ने न केवल विश्वास किया है, बल्कि उन्होंने एक वसीयत बना के रखी है, जिसके तहत उनका शरीर फ्रीज कर दिया गया है। यानी कि 600 से ज्यादा लोग जो मर चुके हैं, उनके शरीर को फ्रीज करके रखा जा चुका है, ताकि जब भविष्य में वैज्ञानिक मरे हुए इंसानों को जिंदा करेंगे तो उनके शरीर को वापस से जिंदा किया जा सकेगा। अब एक पल के लिए मान लेते हैं कि वैज्ञानिक ऐसा संभव कर लेंगे, पर सवाल ये आता है कि क्या मरे हुए इंसान को जिंदा करना सही है? अगर इस तरह से चीजें चलती रहेगी तो हम इंसान पूरी दुनिया में तबाही ले आएंगे। वैसे भी दुनिया की आबादी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, ऊपर से वैज्ञानिक लोगों को मरने से रोक रहे हैं। ये बात जितनी सुनने में अच्छी लग रही है, असल मायने में ये उतनी ही खौफनाक है, जिसका अंदाजा आपको आने वाले समय में हो जाएगा। लेकिन ये सब करने के बाद भी वैज्ञानिक का मन नहीं भर रहा। वो तो प्रकृति के सबसे साधारण चीज, एक मनुष्य को जन्म लेना, जो कि एक महिला और पुरुष के आपसी संबंध के बाद होता है, उसे भी आर्टिफिशियल तरीके से करने में जुटे हैं। और वैज्ञानिकों ने हाल ही में दावा किया है कि वो बिना माँ बाप के आर्टिफिशियल तरीके से बच्चों को पैदा करेंगे। वो कैसे करेंगे, आइए इस पर नजर डालते हैं। असल में एक्टो लाइफ नाम की एक कंपनी ने एक पॉट तैयार किया है, यानी कि एक ऐसी मशीन बनाई है जहां पर भ्रूण बनाया जाएगा, वो भी नकली, जो माँ के गर्भ में बनता है, और उसी भ्रूण से बच्चा पैदा किया जाएगा। तकरीबन 75 लैब में 30,000 ऐसे पॉड तैयार किए गए हैं। पूरा प्रोसेस हो चुका है, वैज्ञानिकों ने सारी रिसर्च भी कर ली है, लैब बना दिए गए हैं, और हर लैब में 400 पॉड्स भी तैयार कर दिए गए हैं, जहां एक साल के अंदर 30,000 बच्चों को पैदा करने का दावा वैज्ञानिकों के तरफ से किया जा रहा है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जिस पॉड को बनाया है, उसका डिजाइन ऐसा है जैसे माँ के गर्भ में डिजाइन होता है। इसी डिजाइन में जो बेबी पॉड बनाया गया है, जिसके अंदर वैज्ञानिक पुरुष का स्पर्म और महिला का एग डालेंगे, दोनों को मशीन में डालेंगे और उसमें बहुत सारे प्रोसेस करेंगे, जिसके बाद वैज्ञानिकों का ये दावा है कि जब स्पर्म और एग मिलेगा तो भ्रूण तैयार होगा, जैसे माँ के कोख में भ्रूण तैयार होता है, फिर उसमें से बच्चा निकलता है। ठीक इस मशीन के अंदर ऐसा ही होगा, और बच्चे को अपनी आंखों के सामने उनके माँ बाप बड़ा होते देखेंगे। यानी कि सीधे शब्द में कहा जाए तो शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब पुरुष का स्पर्म महिला के शरीर में जाता है, तो जो प्रक्रिया महिला शरीर के गर्भ में होती है, वही प्रक्रिया इस आर्टिफिशियल पॉड में होगी। और वैज्ञानिकों का ये दावा है कि इसके अंदर बच्चा पैदा हो सकेगा। और बड़ी बड़ी बातों में वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि एक ऐप भी बनाया गया है, जिसके जरिए आप अपने बच्चे का रंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको गोरा बच्चा चाहिए या काला बच्चा चाहिए, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, बाल कैसे होने चाहिए, सब कुछ आप अपने मर्जी के मुताबिक इस ऐप के मदद से बच्चे को तैयार कर सकते हैं। यानी वैज्ञानिक बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और इसलिए इस बात की काफी चर्चाएं भी हो रही हैं। लोग इस नए तरीके को जानकर काफी ज्यादा आश्चर्य में हैं।
लेकिन इतने बड़े बड़े दावे होने के बाद वैज्ञानिकों के सामने एक चुनौती है, क्योंकि वैज्ञानिक अभी भी इस मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं कि ये जो प्रक्रिया होगी जिसमें स्पर्म और एग फर्टिलाइज करेंगे आखिर में कैसे होगा। आसान भाषा में समझाएं तो जब महिला के अंदर पुरुष का स्पर्म जाता है तो रक्त के जरिए वो अंडे तक जाता है और वहां पर दोनों फर्टिलाइज करते हैं जिससे भ्रूण तैयार होता है और वही भ्रूण माँ की कोख में बड़ा होता है और कुछ समय में बच्चे का रूप ले लेता है। तब नेचुरल तौर पर माँ की कोख में सारा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन इस आर्टिफिशियल ओड के अंदर ये प्रोसेस कैसे होगा इस पर वैज्ञानिक अभी भी सोच विचार कर रहे हैं। यानी कि वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े दावे तो कर दिए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उन्हें ये पूरा प्रोसेस जिस तरह से अंजाम देना है उस चीज को लेकर कोई भी पक्की बात सामने नहीं आई है। या फिर हो सकता है कि सब कुछ तय हो गया हो लेकिन वैज्ञानिक इसके बारे में हमें बताने को तैयार नहीं है। खैर जो भी हो, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा बड़ी है और जब से दुनिया को इस बारे में पता चला है लोग इसे लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, जिनका कहना है कि लाखों माँ बाप जो किसी न किसी कारण से निसंतान रहते हैं उन्हें अपने खुद के बच्चे को जन्म देने का एक मौका मिलेगा। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जितनी भी आर्टिफिशियल चीजें हैं ये सब कुछ प्रकृति के साथ बस एक खिलवाड़ है जिससे लोगों को दूर रहना चाहिए, वरना आने वाले समय में प्रकृति हम इंसानों के साथ खिलवाड़ करेगी। क्योंकि जीना मरना, बच्चों को जन्म देना, ये सब कुछ प्राकृतिक प्रोसेस से होता है। इससे किसी भी तरह की आर्टिफिशियल दखलंदाजी खतरे से खाली नहीं है। अब आप किसके पक्ष में हैं? फटाफट कमेंट में लिख दीजिए और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।